संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं विभा गुप्ता आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम, सभी संगत को नमस्ते। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि आज उनकी कृपा से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। हम सभी संगत बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने अपने चरणों में हमें जगह दी और हम सभी गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और गुरुजी सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनफैक्ट जो हम भी नहीं जानते गुरुजी वो भी जानते हैं। इसीलिए हमें गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हमें इनफैक्ट रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है गुरुजी प्लीज आप मुझे ये दे दो, प्लीज गुरुजी ये दे दो, बट हमें नहीं पता कि वो चीज हमारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं। और हो सकता है गुरुजी हमें कुछ बड़ा देना चाह रहे हो और हम छोटी चीज मांग रहे हो। इसलिए गुरुजी के पास आने के बाद हमें गुरुजी पे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए और गुरुजी पे सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी और हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हम और गुरुजी, बस गुरुजी से हम डायरेक्ट बात करें। जो भी हमारे मन में डाउट्स होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मेरी फोटो भी तुम्हारे साथ गल्ला करेंगी। मतलब जो भी हमारे मन में कोई डाउट है या हमें कोई प्रॉब्लम में स्टक अप हो गए हैं, अगर हम गुरुजी की फोटो से बात करेंगे तो गुरुजी हमें रिप्लाई बैक करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। वो गुरुजी के ऊपर है कि गुरुजी कैसे करें। गुरुजी की फोटोज भी बात करती हैं, गुरुजी हमें ड्रीम में आंसर कर सकते हैं। हम कोई सत्संग सुन रहे हैं, हमें सत्संग के थ्रू अपना आंसर मिल सकता है, शब्द के थ्रू मिल सकता है। बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में आंसर मिल सकता है, कैसे भी दे, बट गुरुजी हमेशा आंसर करते हैं। गुरुजी के पास आने के बाद हमारा जो भी पोजिशन है, बी इट इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा। किसी भी हालत में वो डाउनवर्ड्स नहीं जा सकता, या तो स्टेबल रहेगा या ऊपर जाएगा। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम गुरुजी से कितना कनेक्टेड हैं। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में जब आए थे तब हम सबको लगता था कि पता नहीं भगवान है या नहीं, बट सभी भगवान जिनको हम जानते हैं, कृष्ण जी हैं या राम जी है, जो भी भगवान मतलब अभी तक आए हैं, साईं बाबा, सब पहले फिजिकल फॉर्म में आए थे। ये बात अलग है कि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब हमें रियलाइज नहीं हुआ था ये चीज कि वो भगवान है। उनके फिजिकल फॉर्म छोड़ देने के बाद ये चीज सब लोगों को रियलाइज हुई कि वो भगवान थे। ऐसे ही गुरुजी, उस समय हम लोगों ने उनको भगवान कुछ ने माना, कुछ ने नहीं, गुरुजी लेकिन भगवान है ये। अब हमें गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद जब जो चीजें सिर्फ भगवान कर सकते हैं, जब वो चीजें हमारे साथ हो रही है, तो हम सब जानते हैं, हम सबको गुरुजी ने किसी ना किसी तरह से रियलाइज कराया कि वो क्या है। गुरुजी की बॉडी से एक फ्रेग्रेंस निकलती थी जो कि बहुत यूनिक होती थी और बहुत ही स्पेशल फ्रेग्रेंस जो कि कहीं पे भी आ सकती है। और वो फ्रेग्रेंस गुरुजी हमें तब फील कराते थे जब उनको लगता था कि हम किसी प्रॉब्लम में है या हमें उनकी जरूरत है, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते थे। वो फ्रेग्रेंस हमें मंदिर में तो आती ही थी, बट घर में कहीं पे भी कहीं भी हम जा रहे हैं तो हमें उनकी फ्रेग्रेंस फील हो जाती थी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए तो घर में मम्मी खाना बना रही होती थी, खाने में से भी खाने की खुशबू आने की बजाय गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। गुरुजी जब चलते थे, गुरुजी के पाँव जमीन से हमेशा ऊपर रहते थे, कभी जमीन पे टच नहीं होते थे। गुरुजी के अंदर से लाइट्स निकलती थी, एक अलग ही ऑरा होता था। हमारी लाइफ का गोल्डन डे था 28 जनवरी 2006, जब गुरुजी गुड़गांव में एनुअल सत्संग था लेजर वैली ग्राउंड में। गुरुजी उस टाइम फर्स्ट टाइम हो रहा था गुड़गांव में एनुअल सत्संग। तब एक अंकल मेरे पापा को बोल रहे थे कि गुरुजी आ रहे हैं। वो इनफैक्ट काफी टाइम से बोल रहे थे, 2-3 ईयर्स से, बट हम नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें लगता था सारे गुरु एस्ट्रोलॉजर टाइप्स ही होते हैं, तो भगवान कैसे हो सकते हैं, तो हम नहीं जाते थे क्योंकि हम सिर्फ भगवान में बिलीव करते थे। लेकिन उस दिन गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाना लिखा था, तो उन अंकल का, वैसे कभी ऐसा नहीं होता कि 3-4 बार कॉल आए, बट उस दिन उनका 3-4 बार पापा के पास कॉल आया और संडे का दिन था, तो हमने सोचा चलो संडे है, गुड़गांव में ही आ रहे हैं गुरुजी, तो चलते हैं एक बार। बस इस वजह से कि पापा को था कि वो मेरा फ्रेंड है, इतने सालों से कह रहे चलो एक बार, उसका दिल रखने के लिए हमने सोचा कि चलते हैं। बट जब हम वहां पे पहुंचे और हमने गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी के अंदर से इतनी लाइट्स और उनका जो ऑरा था और उनकी एक नजर जो हम पे उस टाइम पे पड़ी, हम उसी टाइम से गुरुजी के हो गए। हम कुछ नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में। जब वो अंकल हमें, हमारे साथ
अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने की कोशिश करते थे, हम उसमें भी स्टॉप कर देते हैं, मतलब इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, तो हम कुछ नहीं जानते थे। बट जब हम वहां पहुंचे तो हमें खुद मतलब गुरुजी को देख के ही ऐसा लगा कि हाँ ये भगवान ही है। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं कि वो एक नजर डालकर ही ये रियलाइज करा दे कि वो कौन है। हमें वहां जाके इतना अच्छा लगा कि हम वहीं पे पूरा टाइम हमने सत्संग अटेंड किया, बिल्कुल लास्ट में आए लंगर करके, जबकि हम सोच के गए थे कि हम लंगर तो करेंगे ही नहीं और बस जाके 5-10 मिनट बैठ के आ जाएंगे। बट हमारा वापस घर आने का मन नहीं कर रहा था। और जब हम घर पे आए, घर पे आने के बाद में हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी सब जगह, और हमें हर जगह ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही हैं। और साथ में ये रियलाइज हो रहा था कि बस अब हम राइट जगह पे पहुंच गए हैं और दिस इज द राइट प्लेस, और अब हमें कहीं और जाने की, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पापा बहुत चीजें करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और पता नहीं और भी बहुत चीजें करते थे। धीरे धीरे वो सब जब करने लगे तो गुरुजी दिखने शुरू हो गए और वो सब चीजें स्टॉप होती चली गई। फिर हमने छोटे मंदिर का, हमें पता चला कि गुरुजी वहां बैठते हैं, एम्पायर स्टेट, जिसको कि छोटा मंदिर बोलते थे। तो वहां पे हम जब फर्स्ट टाइम गए, बच्चे अलाउड नहीं थे और उस समय मैं और भाई छोटे थे, तो हम दोनों घर पे थे। पेरेंट्स जब वहां पे गए तो गुरुजी ने, जैसे ही पापा ने माथा टेका, गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी। पापा को लगा कि गुरुजी को एकदम से कैसे, क्योंकि हम उस समय नए थे तो हमें मतलब उतना ये नहीं था कि हाँ ये तो अच्छा तो लग रहा था, बट एक विश्वास वाली बात होती है ना, वो तो ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो जब गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी, पापा एकदम शॉक हो गए, क्योंकि जिन अंकल के थ्रू गए थे वो भी नहीं जानते थे ये चीज कि पापा ने सीएसबी किया हुआ है। पापा सीए सीएस दोनों है, बट वो एज अ सीए ही जानते थे। तो ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि जानते थे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने, वो तो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। तो जब उन्होंने ये बोला, पापा ने बाहर आके अंकल को पूछा कि गुरुजी ने मुझे कंपनी सेक्रेटरी कैसे, मतलब गुरुजी कैसे जानते हैं। फिर उन्होंने बोला गुरुजी तो सबको जानते हैं, अगर आप मेरे बुलावे से यहाँ आए होते तो आप बहुत पहले पहुंच चुके होते, आप गुरुजी के बुलाने से यहाँ आए हो, और अगर गुरुजी ने आपको कंपनी सेक्रेटरी कह के रिकग्नाइज किया है तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ है जो आपको ग्रेजुअली पता लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, पापा शेयर ट्रेडिंग करते थे और उनको बहुत मेजर लॉसेस हो गए उसमें। मम्मी घर पे बैठ के गुरुजी से प्रे करने लगी कि गुरुजी कुछ परमानेंट जुगाड़ करवा देते तो अच्छा रहता। हुआ क्या फिर कि तभी एकदम से, मतलब विद इन 20 मिनट्स, पापा के पास कहीं से कॉल आ गया कि आप हमें एज अ कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ नहीं पूछा उन्होंने कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड, क्या नॉलेज, कुछ नहीं, सिंपली कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो हम, पापा को लगा कि एकदम से, मतलब ना मैंने कहीं रिज्यूमे डाला ना कुछ किसी से बात की। तो उस दिन हमें छोटे मंदिर जाना था, थर्सडे था, तो हम ये सोच के गए कि गुरुजी से एक बार पूछ लेंगे। जब वहां पहुंचे तो मम्मी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। मम्मी को लगा मैंने पूरा तो सेंटेंस बोला ही नहीं, गुरुजी को पता नहीं कैसे पता कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। तो मम्मी ने वापस से ट्राई किया कि गुरुजी आज इनको, गुरुजी ने वापस बोला ज्वाइन करो। फिर मम्मी ने सोचा चलो अब मैं एक बार ना अपनी तसल्ली के लिए बिना सांस लिए पूरा क्वेश्चन बोलूंगी गुरुजी को। और मम्मी ने बोला कि गुरुजी आज इनको ऐसे ऐसे एक ऑफर आई है, ज्वाइन करें या नहीं। तो गुरुजी ने बोला कह तो दीता ज्वाइन करो, मैंने तो दिलवाई है। तो गुरुजी ने घर पे जो बैठ के मम्मी ने प्रे की, और उससे भी पहले गुरुजी को तो आने से पहले ही पता था कि ये अब एज अ सीएस ही काम करेंगे, इसलिए गुरुजी ने उस दिन पापा को सीएस कह के रिकग्नाइज किया। तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, मैं एक बार सो रही थी और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि आज से तू विभा। मुझे लगा विभा तो कॉमन है बट विभा मैंने कभी नहीं सुना था, तो मैंने सोचा एक बार गुरुजी से कंफर्म कर लेती हूँ स्पेलिंग्स क्या है। गुरुजी से मैंने पूछा गुरुजी विभा या विभा, तो गुरुजी ने मुझे स्पेलिंग्स बोल के बताए VRIBHA विभा, और गुरुजी ने कहा आज से तो विभा। और मैं जब सोकर उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी डायरेक्ट गुरुजी से अभी अभी इंटरेक्शन हुई है, मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे सामने अभी फिजिकली थे, मेरे को गूज बम्प्स आए हुए थे, स्वेटिंग हो रही थी और एकदम टेलीपैथी जैसा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ड्रीम था, ऐसा लग रहा था मेरे को कि रियल में मेरे साथ हुआ है। फिर जिन अंकल के थ्रू हम गए थे, पापा ने उनसे पूछा कि तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं 10th के एग्जाम दे चुकी थी, तो उन्होंने बोला गुरुजी ने बोला है तो नेम चेंज करना चाहिए, बाकी आप देख लो जैसे आपको लगे। तो हमें उस दिन छोटे मंदिर जाना था। छोटे मंदिर में फिर जब
हमने माथा टेका, मम्मी ने फिर कोशिश की गुरुजी से एक बार पूछने की, तो मम्मी ने सिर्फ इतना बोला गुरुजी, गुरुजी ने बोला नेम चेंज कर दे। बस फिर हमें क्लैरिटी हो गई कि अब हमें नेम चेंज करना ही है। पापा नेक्स्ट डे मेरे स्कूल में आ गए, एमिटी में थी मैं, वहां पे प्रिंसिपल से बात की कि ऐसे ऐसे नेम चेंज का है प्रोसेस और आप हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। प्रिंसिपल बोली ऑलरेडी इतने बच्चों का मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, सीबीएसई से 10th के बाद नेम चेंज कराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप कितने भी ट्राई कर लो नेम चेंज नहीं हो पाएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पापा ने बोला ये मेरी गारंटी है कि इसका नाम चेंज होके आ जाएगा। वो बोलती है कि आप कितना श्योरिटी से कैसे कह सकते हो। पापा ने बोला क्योंकि ये नेम चेंज साक्षात भगवान शिव ने किया है, ये हो ही नहीं सकता कि बिना चेंज होके आ जाए, आप एप्लीकेशन लगाओ हमारी। तो उसको बल्कि लगा कि ये कैसे कह रहे हैं भगवान शिव ने, तो उसने भी उस टाइम पे काफी देर तक पापा से सत्संग सुना और एमिटी के बहुत से टीचर्स कनेक्ट हो गई, बल्कि अभी तक इनफैक्ट अभी तक आती है और उनके खुद के भी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं। एप्लीकेशन उसने मूव कर दी प्रिंसिपल ने। उसके बाद क्या हुआ कि कई जैसे 5-6 बच्चे और थे जिनका एप्लीकेशन गया हुआ था नेम चेंज का, बट सिर्फ मेरा नेम चेंज होकर आया और जो बाकी बच्चे थे वो कह रहे हैं क्या प्रोसेस फॉलो किया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तूने, जो जो मैंने किए थे वो उन्होंने किए थे, बट उनका नेम चेंज नहीं हुआ और मेरा नेम चेंज होकर आ गया विद इन 10 to 15 days। तो ये गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी ने अगर कोई चीज अपने मुंह से बोल दी है कि ये होगी तो वो होकर रहेगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल, कितना ही हमारे लिए मुश्किल है, गुरुजी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है गुरुजी के लिए वो भी एक चुटकी भर का काम है। गुरुजी हर पल, मतलब ऐसे होता था कि मम्मी पापा जब छोटे मंदिर जाते थे हमारा मन करता था बट बच्चे अलाउड नहीं थे, जब आते थे ना हम गेट खोलते थे तो मम्मी पापा के कपड़ों से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी कि हम उनके कपड़े, उनकी चुन्नी और ये सब बैठ के 2 दिन तक हम सूंघते रहते थे, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। फिर मेरे को ये था कि इस नाम का मीनिंग क्या है, बहुत सर्च किया मैंने, गूगल किया, इधर उधर पूछा, किसी को आइडिया नहीं था कि इस नाम का क्या मीनिंग है। फिर मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि आज तू जब मंदिर आएगी तो तेरे को नाम का मीनिंग भी पता लग जाएगा। फिर जब मंदिर जाना था तो बच्चे 2 अलाउड नहीं थे, बट हमारा था कि ठीक है गुरुजी गुस्सा करें जैसे जो करें देखी जाएगी, बट गुरुजी के दर्शन करने अब हम जाएंगे ही जाएंगे और नहीं रुक सकते। तो उस दिन हम छोटे मंदिर गए, गुरुजी ने हमें फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया। फर्स्ट फ्लोर पे एक अंकल आए हुए थे, उन्होंने पापा से पूछा कोई रिसेंट एक्सपीरियंस आपका कुछ, तो रिसेंट यही हुआ था, पापा ने ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया। जब पापा ने ये शेयर किया तो पापा ने बोला बस मीनिंग नहीं पता चल पा रहा है इसका ना, तो उन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई संस्कृत के होंगे हेड, वो उनको जानते थे, उनका नंबर शेयर किया कि आप इनको कॉल कीजिएगा और ये आपको मीनिंग बता देंगे। फिर हम जब घर पहुंचे, घर आने के बाद कॉल किया उनको और उन्होंने फिर जब हमने नाम बताया तो फिर उन्होंने बताया कि विभा का मतलब है चुनी हुई ज्योति। गुरुजी का दिया हुआ नाम जितना स्पेशल होता है उतना ही स्पेशल उसका मीनिंग भी होता है। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहे हैं, मेरे सारे आगे एडमिशंस, जैसे मेरे 12th में मार्क्स आए थे 86.25%। मेरा मन था कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट जैसा कि हम सब जानते हैं उसमें बहुत हाई कट ऑफ्स जाती है, तो बहुत ही टफ लग रहा था कि इतने मार्क्स पे एडमिशन हो जाए। फिर मैंने पर और किसी कोर्स में अप्लाई नहीं किया, बीकॉम ऑनर्स में ही अप्लाई करती गई मैं। मैत्री कॉलेज का कट ऑफ निकला 86%, मेरा था 86.25 और मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट डे वहां पे ज्वाइन किया तब जो वहां की हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने बताया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 89 कट ऑफ निकलना था जो कि बाय मिस्टेक 89 का 6 हो गया और 86 प्रिंट हो गया, और अब अगर वो विड्रॉ करेंगे तो वो कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन पे बात आएगी, तो वो वापस से अपना नहीं कट ऑफ चेंज नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने मेरा एडमिशन कराने के लिए ना जाने और कितने बच्चों का एडमिशन उस टाइम पे मैत्री कॉलेज में करा दिया।
बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे एमबीए करने का मन था, बट उस टाइम कैट फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था, तो उसमें भी मेरा परसेंटाइल कुछ खास नहीं आया, 79% ही आया, और उसके हिसाब से मुझे टॉप कॉलेजेस तो मिल ही नहीं रहे थे। मुझे ये था कि चलो एटलीस्ट प्राइवेट में थोड़ा रिस्पेक्टेबल कॉलेज ही मिल जाए, तो एमिटी का देख रही थी। एमिटी में भी कैट की परसेंटाइल के बेसिस पे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। तब हुआ क्या फिर कि मेरे जो मेरा ब्रदर है वो भी एमिटी में ही पढ़ाई कर रहा था स्कूल में, तो उसको ने 12th में टॉप किया। जब उसने 12th में टॉप किया, जो एमिटी की चेयरमैन थी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पापा को कॉल किया, और फिर वो पापा से जैसे बात करने लगी तो उन्होंने मेरे लिए भी पूछा, तो पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे इसका स्कोर है और एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप वहां पे जाओगे तो मेरा नाम बोल देना और एडमिशन हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे लेकिन ये लग रहा था कि मेरिट पे जो एडमिशन होने का मजा है वो इस तरह से नहीं है, तो मेरे मन में ये बात थी कि काश मेरा एडमिशन मेरिट पे हो पाता। इन द मीन टाइम मैंने मैट का भी एग्जाम दिया हुआ था, और मैट में फिर मेरा स्कोर आया 99.99%, और मेरा रूटीन में एमिटी में एडमिशन हो गया एमबीए में। बल्कि गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे दो चीजें दिखाई कि देख, जब तू एलिजिबल नहीं हो रही थी तभी भी मैं तेरा एडमिशन करा देता, और अब जब तू एलिजिबल हो चाहती थी कि तू मेरिट पे हो तो वो भी मैंने तुझे एलिजिबल करा दिया। तो जो हमारी इच्छा होती है गुरुजी वो हमेशा पूरी करते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छी है तो। जब एमिटी में एडमिशन हो गया, पेरेंट्स को जैसे कैंपस में घुमाते हैं, तो प्लेसमेंट सेल ने जब घुमाया उनको तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी आता है, बस एक ही कंपनी का नाम लिया, और मुझे बैंक में ही जाने का मन था। अब वहां पे जब हम मतलब पूरा जब एमबीए का कोर्स हो गया सब, लास्ट के में सेमेस्टर में थी, उस टाइम पे बहुत ही गंदे वाला रिसेशन आ गया था। मतलब ऐसा था कि सब बच्चों को ये लग रहा था कि हमारी प्लेसमेंट हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि एमिटी में वैसे ही बैच साइज बहुत ज्यादा रहता है। बट गुरुजी ने क्या किया, मेरी दो दो जगह प्लेसमेंट्स कराए उस टाइम पे भी। एक कंपनी आई पहले रिवेल करके, वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो क्योंकि एमएनसी थी उनको यूएस से कुछ क्लियरेंसेस चाहिए थे और इसलिए उन्होंने लेटर इशू नहीं किया। रूल ये था कि अगर जब वो लेटर इशू कर देंगे एक प्लेसमेंट के बाद, कैंडिडेट दूसरी प्लेसमेंट पे नहीं बैठ सकता, बट सिंस लेटर होल्ड पे था तो मैं अभी प्लेसमेंट्स पे बैठ सकती थी। इन द मीन टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा आया, मैंने उसकी स्क्रीनिंग वगैरह के सब इंटरव्यू जो भी चीजें थी वो सब दे दी। रिजल्ट उसका होल्ड पे था, एक दिन मुझे मॉर्निंग में गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि रिजल्ट आ गया है, तीन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें सबसे पहला नाम मेरा है, और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो मैं खुशी के हमारे पागल होके एकदम से कह रही हूँ कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी का थैंक यू बोलना है। और मेरी जैसी आंख खुलती है तो मुझे लगता है कि हाँ रिजल्ट मुझे मतलब रियलाइज भी यही हो रहा होता है कि हाँ रिजल्ट आ चुका है और मैं मंदिर जाने के लिए मुझे रेडी होना है। फिर थोड़ी देर में मुझे रियलाइज होता है कि अभी तो मुझे कॉलेज जाना है और रिजल्ट अवेटेड है। और उस दिन जब मैं कॉलेज जाती हूँ एग्जैक्टली वही होता है, रिजल्ट आता है, तीन ही बच्चों का सिलेक्शन होता है और सबसे ऊपर मेरा ही नाम होता है, और फिर मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी के मंदिर जा पाई गुरुजी का थैंक यू बोलने। गुरुजी ने मेरा उस टाइम पे गुरुजी ने ये दिखाया कि रिसेशन है, कॉलेज अच्छा है बुरा है कैसा भी कॉलेज है, प्लेसमेंट कराने वाले गुरुजी हैं, अगर हमारा प्लेसमेंट होना है तो हम किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइम में पढ़ रहे हैं, गुरुजी करा देंगे, और नहीं होना है तो हम टॉप कॉलेज में भी पढ़ लें तभी भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कहीं भी पढ़ें गुरुजी की कृपा से हमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं रहती है, एक बार गुरुजी के पास आ गए तो गुरुजी सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी हमेशा विद इन 10 ईयर्स की मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सर्विस थी मेरी हमेशा से होम पोस्टिंग रही है। फिर मेरी शादी की बात चल रही थी तो एक अंकल ने पापा को एक रिश्ता बताया, मम्मी पापा मिलके आए, उनको अच्छा लगा, लेकिन मम्मी को मन में ये था कि गुरुजी कोई हिंट दीजिए जिससे कि हमें थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। घर में बैठे बैठे गुरुजी के फोटो से मम्मी बात कर रही थी, और तभी एक और अंकल का कॉल आता है जो कि फारूक नगर के थे। जो पहले वाले अंकल थे वो चंडीगढ़ रहते थे, और जो अभी दूसरे अंकल का कॉल था वो फारूक नगर। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। जो फारूक नगर वाले अंकल थे उन्होंने पापा को बोला, मैं आपको एक प्रोफाइल बता रहा हूं, आप ये नोट कीजिए बेटी के लिए। पापा नोट करने लगे, तो जब नोट करा तो वो एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल निकली जो कि
मम्मी पापा एक दिन पहले मिलके आए थे, तो गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि हाँ जो तुम मिलके आए हो वो सही है। दो लोगों से टैली कराया जो कि अलग अलग सिटीज में अलग अलग लोग थे। गुरुजी की कृपा से मेरी शादी अच्छी तरह हो गई। जहां पे शादी हुई थी हमें उस टाइम ये पता भी नहीं था कि वो वेन्यू गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। हमने वेन्यू बुक कर दिया। फिर जब संगत को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, फिर हमें एक अंकल ने बताया कि ये वेन्यू गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। शादी के टाइम भी, शादी से एक दिन पहले भी इतनी तेज बारिश थी और हमारा ओपन में अरेंजमेंट था, तो हमें ये लग रहा था पता नहीं शादी वाले दिन अब, मतलब शादी से तीन चार दिन पहले से रेगुलर बारिश हो रही थी और उस दिन हमें बस यही था कि सही से सब काम हो जाए, पता नहीं बारिश हो गई तो कोई चक्कर वक्कर पड़ जाए क्या होगा, बट हमारा मन था ओपन में करने का तो हमने उसको चेंज नहीं किया। और सारा इतना प्लेजेंट वेदर रहा, कुछ वो नहीं रहा। जैसे ही मेरी विदाई होने लगी एकदम से बारिश शुरू हो गई। गुरुजी ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि कैसे गुरुजी इतनी इतनी सी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। मतलब उसके बाद मुझे ये लगता था कि शादी के बाद मैं मंदिर बहुत कम जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी नॉन संगत फैमिली में शादी हुई थी, तो मुझे लगता था कि शायद अगर मेरी संगत फैमिली में शादी होती तो मेरा मंदिर रेगुलर रहता, और अब क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो अब मेरा मंदिर शायद कम हो जाए। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, तो टेंशन क्यों लेती है, ये भी अपना ही है। और गुरुजी ने मुझे एक सेटिस्फेक्शन दी कि हाँ ये भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो टेंशन ना ले। ये होता है गुरुजी का वे, कि मेरे को बस इसी चीज की टेंशन थी कि मेरा मंदिर ना मिस हो जाए, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि नहीं मिस होगा, ये भी अपने लोग हैं। गुरुजी ने उसके बाद क्या किया, पहले तो मेरे हस्बैंड का ऑन साइट असाइनमेंट आ गया यूके का। अब मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में एक साल की लीव अप्लाई की जो कि मेरी रिजेक्ट हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या, कोई भी अगर गवर्नमेंट बैंक हो एक साल के लिए बाहर एक तरह से घूमने की लीव हो गई है तो कोई भी सैंक्शन नहीं होती है इस तरह की, तभी होती है या तो मेडिकल अर्जेंसी हो या फिर चाइल्ड केयर हो, बट इस ग्राउंड पे नहीं होती है। उसके बाद दो बार रिजेक्ट हो गई, मैंने तीसरी बार वापस अप्लाई किया। मैंने मन में गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी अगर मेरे लिए अच्छा हो तो हो जाए सैंक्शन इस बार प्लीज। जब मैंने थर्ड टाइम अप्लाई किया तो बल्कि एचआर वाले बोलने लगे कि दो बार रिजेक्ट हो चुकी है फिर भी तुम थर्ड टाइम अप्लाई कर रही हो, मतलब क्या लॉजिक क्या बनता है, रिजेक्ट ही होगी। तो उनको मैंने बोला बस लास्ट टाइम आप मेरी एप्लीकेशन लगा दो, अगर रिजेक्ट हो गई तो प्रॉमिस है नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। तो खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी और मेरी एक साल की लीव सैंक्शन होकर आ गई। और सब हैरान थे मेरे ऑफिस में कि एक साल के लिए तू यूके घूमने के लिए जा रही है और उसके लिए तेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई। मतलब एचआर वाले खुद कह रहे थे कि हमने इतने साल की सर्विस में ऐसा फर्स्ट केस देखा है कि एक साल की छुट्टी मांगी और वो भी इस वजह से, और एक साल की पूरी सैंक्शन होके आ गई। फिर हम जब यूके चले गए, गुरुजी ने हमारा इतना ध्यान रखा, जैसे सब कहते हैं कि बाहर जाके वेजिटेरियन फूड की प्रॉब्लम रहती है, बहुत चीजें रहती है, मतलब फॉरेन कंट्री में जाके एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते, बट गुरुजी ने हमारा बहुत ध्यान रखा। कई बार इनफैक्ट मुझे मंडे को होता था कि आज अगर मैं इंडिया होती तो मैं बड़े मंदिर जाती तो मुझे समोसा प्रसाद जलेबी प्रसाद मिलता। तो हम कई बार बाहर जा रहे होते थे तो मंडे को कोई शॉप दिख जाती थी बाहर समोसा और जलेबी की, मतलब यूके में समोसा और जलेबी की दुकान एकदम से दिख गई और प्रॉपर, मतलब इंडिया जैसा टेस्ट, ये भी नहीं कि टेस्ट में ऐसी वैसी। तो हर छोटी छोटी चीज भी वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, गुरुजी ने पूरा एक साल हमारा ध्यान रखा। जब हम इंडिया आ गए मैंने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन किया, प्रमोशन एक्सरसाइज निकली, अप्लाई कर दिया मैंने ज्वाइन करने के इमीडिएटली बाद। सब कहने लगे तू एक साल की छुट्टी काट के आई है, तेरे को लगता है तेरी प्रमोशन हो गई, टाइम वेस्ट कर रही है, हो ही नहीं सकती प्रमोशन। पर मैंने अप्लाई कर दिया और मेरे जो जिस ऑफिस में मेरी पोस्टिंग थी वहां से चार लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ। पूरे साल उन्होंने काम किया था वहां पे, उनकी रेटिंग कम आई और मैंने जिसने पूरे साल छुट्टी पे थी मेरी रेटिंग उनसे ज्यादा, मेरा प्रमोशन हो गया। तो ये कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और ऑफिस में सब शौक हो गए, उनको सब कह रहे थे तेरा इसका तो ना पक्का सीएमडी लेवल का जैक है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले इसने छुट्टियां सैंक्शन करा ली फिर आके इसकी प्रमोशन हो गई। मैं उनको बोलती थी कि मेरा सीएमडी से भी ऊपर का जैक है, मेरे तो जो जैक है ना सीधा महाशिव है। तो जो
मेरे लिए अच्छा है ना वो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वो भी शौक हो जाते थे क्या बोल रही है। फिर हम लोग दिल्ली में, पहले नोएडा रहते थे शादी के बाद, नोएडा से मंदिर आने में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता था तो हम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाते थे। गुरुजी ने हमें धीरे धीरे करके नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव बुला लिया और फिर हमारा रेगुलर मंदिर जाना स्टार्ट हो गया। और मेरे हस्बैंड के साथ भी इतने एक्सपीरियंसेस हो गए कि वो भी कनेक्ट हो गए। अब गुरुजी की कृपा से गुड़गांव में रहते हैं तो गुड़गांव से बड़े मंदिर तो पास है ही, और पर गुड़गांव में और भी मंथली सत्संग होते रहते हैं तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी से कनेक्टेड रहते हैं। सत्संग अटेंड करने से या मंदिर जाने से ना एक जो पॉजिटिविटी है, मतलब कितना भी हम परेशान हो, बीमार हो, कुछ भी हो, गुरुजी के पास जाके जब एक बार माथा टेकते हैं ना तो एक एनर्जी और पॉजिटिविटी जो आती है उससे ऐसा लगता है उसी टाइम सारी प्रॉब्लम्स जैसे सॉर्ट आउट हो गए हैं, एकदम सब बैक टू नॉर्मल हो गए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि घर पे हम कितना ही कोशिश कर ले मेडिटेशन करने का या गुरुजी का ध्यान लगाने का, बट इतनी डिस्ट्रैक्शंस रहती है, मतलब मेरा तो पर्सनली उतना ध्यान नहीं लग पाता घर पे। फिर हम फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे बट हम कंसीव नहीं कर पा रही थी मैं, हो गया था काफी टाइम, 1-1.5 साल, काफी परेशान भी थी, बीच में डिप्रेशन में भी चली गई थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है और ऐसा लगता था कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही होगी, इतनी चीजें दिमाग में एक साथ चलती थी। लेकिन फिर गुरुजी को मानते थे तो गुरुजी को बोला, गुरुजी हम आप सबसे बड़े डॉक्टर हो और हमारे लिए तो आप ही हमारे डॉक्टर हो, अगर मेरे लिए बच्चा ठीक है तो बच्चा आप ही दोगे, अगर गुरुजी के पास आने के बाद भी हमें कोई चीज नहीं मिल पा रही तो वो हमें कहीं नहीं मिलेगी, ये बात श्योर है। तो इसलिए गुरुजी को ही परेशान करती थी, गुरुजी से ही रोज, गुरुजी प्लीज, गुरुजी, गुरुजी आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो। और गुरुजी की कृपा से फिर मुझे एक दिन ये ड्रीम दिखाई दिया कि इस महीने मैंने कंसीव कर लिया है, और वही हुआ, उस मंथ में मैंने कंसीव कर लिया। फिर जब कंसीव कर लिया फिर मुझे लगा कि मैं जो अभी पिछला कुछ टाइम इतनी डिप्रेशन में थी, तो मेरी प्रेगनेंसी में तो पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं उसमें, इतने कितनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कितनी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि डिप्रेशन में तो बंदे को, अच्छा वाला बंदा, उसको भी 4-5 बीमारियां लग जाती हैं साथ। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी पूरी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ रही, कोई मेरे जितने टेस्ट हुए सारे नॉर्मल आए, और गुरुजी ने मेरी पूरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथली निकलवाई है और हर छोटे से छोटी चीज का ध्यान रखा है। मैं सिर्फ उस टाइम पे मंदिर जाती थी और ऑफिस जाती थी, मंदिर और ऑफिस जाने के बीच में जो भी रोड्स खराब थी या स्पीड ब्रेकर थे, टूटी फूटी रोड्स, सारी रोड्स गुरुजी ने उस समय बनवा दी, जो भी मेरे मंदिर जाने में या ऑफिस जाने के बीच में आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बल्कि उस टाइम पे मैंने जितने रोड्स बनते हुए देखी है उसके बाद कभी देखी भी नहीं। मेरे ऑफिस के वर्किंग आवर्स, जो कि बैंक्स में सबको पता है 10-6 तो होते ही है, बट उस टाइम पे 9-4, सिर्फ उसी टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम गुरुजी ने 9-4 टाइमिंग्स करा दिए। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हो गई उसके बाद फिर टाइमिंग्स चेंज हो गए बस उसी टाइम पे। तो ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं कि आपकी इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखें। जब मुझे बेबी की मूवमेंट कम लगती थी या लगता था कि हो ही नहीं रही है मूवमेंट, तो मैं मंदिर जाती थी, लंगर करती थी, या घर पे भी हूं तो शब्द सुनती थी, तो देखो एकदम से मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती थी। गुरुजी मेरे को हमेशा गुरुजी का शब्द सुन के या मंदिर जाके हमेशा, जो भी अगर मुझे थोड़ा बहुत कुछ लगता भी था तो वो एकदम से ठीक हो जाता था। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, और वो ही हुआ फाइनली 23 अप्रैल 2018 को गुरुजी की कृपा से मुझे बेबी बॉय ही हुआ। मेरा सिजेरियन होना था तो जब मुझे ओटी में लेके जा रहे थे तो वहां पे जो इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब चीजें देख के मेरे को इतनी एकदम में नर्वस हो गई और मुझे लगा पता नहीं क्या होगा अंदर, मैं बहुत घबरा गई। पर जब मैं अंदर गई तो अंदर ओटी में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा ये कि ओटी में मंत्र जाप चल रहा था। और जब मैं वहां पे थी तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी पता नहीं चला मुझे कि मेरी डॉक्टर भी संगत की थी। जब मैं लास्ट डे डिलीवरी के दिन मुझे पता चला कि मेरी जो डॉक्टर थी वो भी संगत की थी। हम तो रैंडमली चले गए थे इनफैक्ट,
ऑफिस में किसी ने बताया डॉक्टर अच्छी है चले जाओ, तो मैं चली गई। लेकिन वो भी संगत की थी, तो गुरुजी तो शुरू से ही मेरे साथ ही पूरे उस टाइम पे भी पूरा गुरुजी मेरे साथ रहे। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी अपने से जोड़ के रखा है, उसके लिए तो भगवान मतलब गुरुजी, गुरुजी मतलब भगवान। कुछ भी होता है तो वो तो सिर्फ बात ही गुरुजी से करता है। फिर मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, जहां पे हमने बर्थडे करना था, हम उससे उस वेन्यू पे एक बार चेक करने के लिए जैसे 1 वीक 10 डेज पहले एक बार गए पेन ड्राइव में सॉन्ग्स वगैरह लेके कि चेक कर लेंगे वहां पे ऑडियो वगैरह सब सही है या नहीं। तो जब हमने पेन ड्राइव दी उसमें सॉन्ग्स थे, लेकिन जब उसे प्ले की तो वहां पे मंत्र जाप चलने लग गया। तो उसमें मंत्र जाप तो था भी नहीं पेन ड्राइव में, बट स्टिल मंत्र जाप चल रहा था। तो हमें लग रहा था एकदम से मंत्र जाप कैसे चल गया, बट ऑब्वियसली मंत्र जाप चला था। तो गुरुजी ने उस टाइम ये दिखाया था कि हाँ कुछ तो होने वाला था, ये हम समझ गए थे। और वो ही हुआ, जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन बर्थडे का टाइम स्टार्टिंग टाइम 7 o'clock था, और 6:30 पे जब हम वहां पहुंचे एक बलून भी नहीं था, एक बलून भी नहीं था। जो डेकोरेटर था उससे हम कांस्टेंट टच में थे, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ उसको फोन, एक बलून भी वहां पे डेकोरेशन जीरो थी। और हम उसको कॉल कर रहे थे, वो कॉल नहीं उठा रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई कुछ नहीं पता। हम तो एकदम से ब्लैंक हो गए कि 7 बजे से गेस्ट आएंगे और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर एक बंदा पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आए, और उन्होंने बोला उनके पास बहुत सारे बलून सब कुछ मिकी की थीम के हिसाब से सारा मटेरियल था, और उन्होंने बोला पता नहीं मेरा क्यों मन हो रहा है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। और उन्होंने उनके पास इतना मटेरियल था, उन्होंने पूरा वेन्यू विद इन एन आवर जैसा हमने सोचा था उससे भी अच्छा डेकोरेट कर दिया। एकदम फटाफट फटाफट बलून्स फुलाने लगे और सारा उनका मिक्की माउस का सब कुछ मटेरियल था उनके पास। और गुरुजी ने गेस्ट जो 7 बजे आने वाले थे सबको थोड़ा लेट कर दिया, 8 बजे से आने शुरू हुए। और जब 8 बजे लोग आए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चला यहाँ पे कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। और जो जिसने हमारी हेल्प की, हमने उसको बोला पैसों के कि पैसे हेल्प करने, उसने पैसे भी लेने के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने इसीलिए उस दिन हमें मंत्र जाप सुनाया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि ये सब होने वाला है। इसीलिए हमें सिर्फ गुरुजी में विश्वास रखना चाहिए, सिर्फ एक को मानना चाहिए, किसी को मानो एक को मानो। क्योंकि होता क्या, जब हम किसी प्रॉब्लम में स्टकअप होते हैं तो अगर हम सारे भगवानों को माने तो सबको लगता है चलो ये चले जाएंगे बचाने, ये चले जाएंगे बचाने। लेकिन अगर हम मानते सिर्फ गुरुजी में है तो गुरुजी को तो पता है फिर मैं इसका तो मैं ही हूं, मैं जाऊंगा बचाने तो बचेगा बेचारा, नहीं तो डूब जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ एक को मानो, गुरुजी को मानो, और उनकी बताई हुई बातें हमें जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे पहले लाइफ देता हूं, फिर हेल्थ और फिर वेल्थ। हम रिवर्स करते हैं, पहले वेल्थ मांगने शुरू करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि उनपे हम छोड़ दें, अगर लाइफ होगी हेल्थ होगी तभी तो हम वेल्थ इंजॉय कर पाएंगे। गुरुजी दीवार से पीछे का भी देख सकते हैं, इसलिए हमें उनपे ट्रस्ट करना चाहिए। जो हमें गुरुजी पहले दे रहे हैं वो ही हमारे लिए बेस्ट है। गुरुजी हमें सब कुछ देंगे पर सीक्वेंस गुरुजी डिसाइड करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम उसमें बीच में अपना कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा जो गुरुजी हमें दे रहे हैं, जो बेस्ट मिलने वाला है, उसमें हम प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। गुरुजी कहते हैं फॉरगेट द पास्ट, एंजॉय द प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय मी। हम सभी का बीइंग ह्यूमंस ये टेंडेंसी रहता है कि हम पास्ट को लेके क्रिप करते हैं और फ्यूचर के टेंशन में अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं और प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाते। गुरुजी कहते हैं पास्ट का तुम कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, फ्यूचर तुम जानते नहीं, इसलिए प्रेजेंट एंजॉय करो। तो हमें गुरुजी के राज में अपना प्रेजेंट एंजॉय करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं मंदिर आओ तो जहां अपने जूते उतारते हो वहीं अपनी अकल और रफल बाहर छोड़ कर आओ। गुरुजी कहते हैं गुप्त दान, गुप्त पाठ और गुप्त सेवा। गुप्त दान की हम कुछ दान कर रहे हैं, किसी की कुछ हेल्प भी कर रहे हैं, तो हमें एक हाथ को एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि हमने क्या दान किया। गुप्त पाठ की हम जब भी गुरुजी का नाम ले रहे हैं तो हमारे लिप्स एकदम बंद हो, मतलब एक पता नहीं चलना चाहिए बगल वाले को कि हाँ ये भगवान का नाम ले रहे हैं। और गुप्त सेवा कि घर में जितने भी हम फैमिली मेंबर्स हैं
सब एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की केयर करें। सारे जितने भी देवी देवता हैं गुरुजी में से ही निकले हुए हैं। ऐसा कई संगत ने देखा भी हुआ है कि छोटे मंदिर में माता रानी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आके गुरुजी को माथा टेक रहे हैं। हम सब ने देखा है कि गुरुजी के मंदिर में बहुत डिसिप्लिन है, और इतना डिसिप्लिन और किसी मंदिर में नहीं है। जहां पे मतलब कोई वीआईपी आ जाए या कोई आम आदमी, हर बंदा लाइन से जाता है, हर के लिए एक ही ट्रीटमेंट है। हमें नहीं दिखता है लाइन में, हमें लगता है हम लोग ही हैं संगत के, बट लाइनों में देवी देवता भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसा कई संगत ने खुद मतलब विद ओपन आईज देखा हुआ है। गुरुजी की बिगेस्ट जो ब्लेसिंग होती है, अब सब कुछ चल रहा है जैसे स्मूथ चल रहा है सब कुछ, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा, बट अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो वो तो और भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही गुरुजी उसको टाल देते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती। एक होता है कि हमें बीमार हुए फिर गुरुजी ने क्योर कर दिया, वो भी ब्लेसिंग है, और एक है गुरुजी ने बीमार होने से पहले ही क्योर कर दिया, प्रॉब्लम ही टाल दी। बट हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम ऐसा कई बार करते हैं कि हमें लगता है कि गुरुजी के साथ पता नहीं, गुरुजी हमारे साथ शायद नहीं है, या हमारा कनेक्शन वीक हो रहा है। मेरे साथ भी अभी बहुत, मैं अपना रिसेंट एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे लगता था अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, या मुझे लगता था गुरुजी के साथ कनेक्शन थोड़ा मेरा लो फील कर रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा कनेक्शन पता नहीं बीच में कहीं है। अभी इसी गुरु पूर्णिमा की बात है, मैं, मेरा बेटा और मेरी मम्मी, हम तीन लोग कार में थे और मैं ड्राइव कर रही थी। एक जगह एक डिवाइडर पे मैं राइट टर्न ले रही थी और एकदम से रॉन्ग साइड से एक बाइक वाला आया और मेरी कार से उसकी लिटरली हिट हुई। इतनी बुरी तरह हिट हुई कि मेरी कार भी पूरी तरह डैमेज हो गई, उनकी बाइक भी पूरी तरह डैमेज हो गई। बट गुरुजी की कृपा ये कि हम तीन और दो बंदे बाइक पे थे, हम पांच लोगों की गुरुजी ने उस दिन जान बचाई। इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी डैमेज हो गई, बाइक हो गई, लेकिन किसी भी बंदे को, इवन बाइक वालों को भी, किसी को कुछ नहीं हुआ। इसी गुरु पूर्णिमा की बात है, गुरुजी ने ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। चाहे वो बाइक वाले बाद में अपनी एक गलती एडमिट कर रहे थे, वहां पुलिस भी बैठी थी, उन्होंने भी बोला कि इनकी गलती है और उनको काफी सुनाई, लेकिन गलती किसी की भी हो, चाहे मेरी गलती हो चाहे उनकी गलती हो, अगर मेरी कार से उनको कुछ भी हो जाता तो मैं लाइफ टाइम उस गिल्ट में रहती कि मेरी कार से किसी की जिंदगी चली गई, या कुछ भी अगर उनको चोट या कुछ ऐसा वैसा हो जाता। तो ये गुरुजी की बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि गुरुजी ने इस गुरु पूर्णिमा को पांच लोगों की जान बचाई। मुझे गुरुजी ने ड्राइविंग भी गुरुजी ने सिखाई, पहले मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। अभी पीछे जब कोविड के टाइम लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक बार पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था, तब मैं बैंक में थी क्योंकि बैंक तो ओपन ही थे, तो एकदम मेरे को फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बंद थे, तो तब मेरे कार स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम मैं कार लेके गई, तब पूरी रोड्स खाली रहती थी और फिर फेज वाइज खुलना शुरू हुआ था सारा। तो गुरुजी ने मेरी प्रैक्टिस भी कैसे कराई, पहले बिल्कुल खाली रोड पे, फिर फेज वन में थोड़ी सी चीजें खुली, फिर थोड़े से ट्रैफिक में प्रैक्टिस कराई, फिर फेज टू में कुछ और खुला, तो ऐसे स्टेप वाइज गुरुजी ने मेरी प्रैक्टिस कराई। और उसके बाद आज की डेट में मैं अब दिल्ली हो कहीं पे भी कार ड्राइव करके जा सकती हूँ। इसमें भी कार ड्राइव करते हुए गुरुजी ना जाने हमें कितनी बार कितनी एक्सीडेंट से बचाते होंगे, क्योंकि आजकल उस दिन के बाद तो मतलब हर बाइक वाला, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिखता है ना तो मैं एकदम से स्टॉप हो जाती हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है, हर चीज में, हर जगह, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, और गुरुजी हमें हर पल बचाते हैं, हर पल, जो हम नहीं भी जानते प्रॉब्लम आने वाली है गुरुजी उसके लिए भी बचाते हैं। हमें बस ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी के पास आने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जो हमने कर्मास किए हैं या जो भी हमारे प्रीवियस बर्थ के या इस बर्थ के जो भी रहता है, उसके हिसाब से अपने कर्म तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। बट ये होता है कि गुरुजी 90% कर्म हमारे माफ कर देते हैं और 10% भी फ्लोटिंग वे में निकलवा देते हैं। ये गुरुजी हम पे, हम सभी संगत पे कृपा करते हैं, नहीं तो अगर हम सारे कर्म अपने काटने बैठे तो हम जी नहीं पाएंगे। गुरुजी
के पास आने के बाद कई बार हम ये भी मिस्टेक करते हैं कि हमें लगता है कि उन अंकल या उन आंटी को तो गुरुजी ने इतना दिया है, उनके साथ तो इतने एक्सपीरियंस होते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होता। तो हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अपनी पात्रता चेक करनी चाहिए, अपनी कनेक्शन देखना चाहिए। हर बंदे का गुरुजी के साथ एक अलग कनेक्शन है। और जब हम छोटे मंदिर जाते थे गुरुजी के पास, गुरुजी किसी से बात भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जब हम गुरुजी के पास जाते थे, हर संगत को उस टाइम ये लगता था कि गुरुजी सिर्फ मुझे देख रहे हैं, सिर्फ मैं बैठा हूं और गुरुजी बैठे हैं, और कोई आसपास, हर को गुरुजी के साथ पर्सनल टच, पर्सनल कनेक्शन फील होता था। गुरुजी में इतना ओरा हुआ करता था। और आज भी मेरे को गुरुजी भगवान है। अब भगवान के अलावा तो बंद घर में कोई आ नहीं सकता। एक बार मैं सो रही थी और सोते हुए मेरी जैसे आधी रात में आंख खुली, तो मेरे लेफ्ट साइड में अलमीरा थी, बट अलमीरा की जगह वहां पे गुरुजी मुझे दिखने लगे। और गुरुजी के चारों तरफ से बहुत सारी लाइट्स, इतनी लाइट्स, मतलब अलमीरा नहीं दिख रही थी, सिर्फ गुरुजी और गुरुजी के चारों तरफ लाइट्स। और मैं बिल्कुल स्टैचू हो गई। मैं उठना चाह रही हूँ कि मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करूं, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही। गुरुजी ने मुझे स्टैचू कर दिया। और फिर जब गुरुजी, जब तक दिख रहे थे मैं स्टैचू की तरह लेटी थी। उसके बाद जब गुरुजी मुझे दिखने बंद हो गए, उसके बाद मेरे को, मैं मतलब मूव करने लगी, और मेरे को एकदम गूस बम्प्स आए हुए थे, और एकदम से ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या देख लिया, और मैं बहुत एकदम सेंसेस में नहीं थी। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। बंद घर में तो और कोई नहीं आ सकता सिवाय भगवान के। और भी गुरुजी ने हमें इतनी चीजें दिखाई हुई हैं। एक बार बड़े मंदिर में न्यूयॉर्क का फंक्शन होने वाला था, वहां पे न्यूयॉर्क के टाइम पे ओले ओले अलग अलग शेप्स में, मतलब कोई हाफ मून, गणेश जी, शिव जी, जलेबी, समोसे, इतनी प्यारी प्यारी शेप्स में ओले। उस दिन से पहले हमने कभी ऐसे ओले, नॉर्मली हम सभी ने राउंड राउंड ओले देखे होते हैं। और हम वहां पे जो संगत थी, हमने मंदिर के बाहर देखा सब जगह राउंड राउंड, बस मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर इतनी ब्यूटीफुल शेप्स के ओले इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने प्यारे ओले। फिर एक बार वैसाखी के फंक्शन से पहले, जो बड़े मंदिर में ऊपर शिवलिंग है, उसमें थर्ड आई से अमृत निकला, जिसमें कि गुरुजी की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस। और वो अमृत उस समय जो भी संगत प्रेजेंट थी सबको चखने मिला। ये भी हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। होली पे गुरुजी के बड़े मंदिर में ही जो मेन हॉल है, उसमें जो शिव जी की मूर्ति है, उसमें कलर्स आने स्टार्ट हो गए ऑल ऑफ ए सडन। जैसे नेल्स में पिंक आने लगा, जटाएं ब्लू कलर की हो गई, तो ऐसे पूरी जो शिव जी की मूर्ति है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आने लग गए। सारी संगत अंदर बैठ के ध्यान ही लगा रही थी, और ऑल ऑफ ए सडन कलर्स आने स्टार्ट हो गए। गुरुजी की समाधि से हमने देखा है कि शिवलिंग निकलकर उस ऊपर जो बड़े वाला शिवलिंग है, उसमें त्रिशूल जा रहे हैं। समाधि से त्रिशूल निकल के ऊपर वाले बड़े वाले शिवलिंग में जा रहे हैं। एक और बताती हूँ एक्सपीरियंस। एक बार बैसाखी के फंक्शन से पहले हुआ क्या कि जैसे सेवाएं चल रही होती हैं, तो सारी संगत वहां पे एक्सपीरियंस सुना रही होती है, बीच बीच में सेवा कर रहे होते थे, बीच बीच में अपने अपने एक्सपीरियंस सुना रहे होते थे। तो कई बार हमने सुना था, हम तब उस समय नए थे, तो ये सुनने मिलता था कि गुरुजी कई बार सरप्राइज विजिट पे आ जाते हैं फंक्शन से पहले। तो हमारा मन होता था, बल्कि हम इसी लालच में जाते थे कि काश हमारे सामने भी गुरुजी एक बार आ जाए। हम हॉल में बैठे हुए थे और एक आंटी अपने ऐसी सत्संग सुना रही थी कि ऐसे ऐसे सेवाएं चल रही थी और गुरुजी एकदम से मंदिर में आ गए। और मैं और मम्मी मन में सोच रहे हैं काश हम भी ऐसा एक मौका देख पाते। और तभी एक संगत आई भागे हुए कि गुरुजी आए हैं बड़े मंदिर। बैसाखी के फंक्शन में, फंक्शन होने से पहले गुरुजी, सबको पता है कि गुरुजी मंडेज को भी नहीं आते थे बड़े मंदिर, उस टाइम पे सिर्फ छोटे मंदिर ही बैठते थे। कभी कभी सरप्राइज विजिट्स पे आ गए तो आ गए, अदरवाइज मंडेज भी नहीं आते थे। बट उस दिन हमारी इतनी इच्छा हो रही थी और गुरुजी ने हमारी इच्छा पूरी की और गुरुजी बड़े मंदिर आ गए। एक बार हमारे घर पे मंथली सत्संग, जो कि गुड़गांव में होते रहते हैं, वैसे सत्संग होना था। तो एक रिंकू भैया है, पापा ने उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने बोला था मैं आऊंगा डेफिनेटली। हम सबने सुने रिंकू भैया के जो लंगर के बाद शब्द चलते हैं लंगर के बाद वाले सॉन्ग्स, तो उन्होंने बोला भी था कि मैं 100% आऊंगा।
लेकिन जिस दिन सत्संग था उस दिन वो नहीं आए। बाद में हमें पता चला कि गुरुजी ने ही उनको मना कर दिया था। फिर हमें एक और एक्सपीरियंस सुनवाया गुरुजी ने कि हम कई बार सोचते हैं कि इस अंकल या आंटी को हम सत्संग में बुलाएंगे तो हमारे घर में और भी अच्छा होगा सत्संग, तो ऐसा नहीं होता। गुरुजी के आने से जिसका सत्संग गुरुजी ने कराना है उस संगत को गुरुजी अपने आप भेज देते हैं। अब जैसे एक बार और हमारे घर जब मंथली सत्संग हुआ था तो हमने इडली प्रसाद रखा था। उस टाइम पे होता था एक मीठा, एक नमकीन और एक चाय प्रसाद, ये सर्कुलेट होता था, स्टैंडर्ड था। तो नमकीन आइटम में इडली प्रसाद था। हुआ क्या कि जितनी संगत को हमने इनवाइट किया था उससे डबल संगत हमारे घर आ गई, और मम्मी पापा तो एकदम टेंशन में आ गए कि क्या करें, अब तो हमारा तो प्रसाद ही शॉर्ट पड़ेगा, तो एकदम परेशान से हो गए। तो एक अंकल ने देखा तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ। पापा ने कहा अभी तो हमारा तो प्रसाद भी शॉर्ट पड़ जाएगा, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने बुलाया था इनको। पापा ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि किसने भेजी है इतनी संगत, गुरुजी ने भेजी, सत्संग किसका है, गुरुजी का है, तो मैनेज कौन कराएंगे, गुरुजी कराएंगे, आपको किस चीज की टेंशन है, आपने जितनों को बुलाया था आपने उसके हिसाब से बना लिया। अब गुरुजी ने अगर एडिशनल संगत भेजी है तो गुरुजी ने अपने हिसाब से भेजी और गुरुजी अपने आप देखेंगे, आपकी टेंशन नहीं है ये, आप आराम से सत्संग एंजॉय करो। हम बैठ गए वहां पे और आराम से सारी चीजें होती गई। फिर जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, सबको प्रसाद मिला, गुरुजी ने इतना बढ़वा दिया, डबल से भी ज्यादा संगत आ गई और प्रसाद बढ़वा दिया, और जिसने भी घर के लिए मांगा कि बच्चे के लिए दे दो या किसी के लिए भी घर में, सबको दिया, जो लास्ट जिसने मांगा उसके पास लास्ट इडली प्रसाद गया। एक भी संगत को हमें मना नहीं करना पड़ा, एक भी संगत ऐसी नहीं रही जिसको प्रसाद ना मिला, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और गुरुजी ने ऐसा भी किया हुआ है, सत्संग एक बार रिकग्नाइज, हम मंडे को गए, मंडे को सिर्फ सत्संग एक शेयर होते थे, संगत आपस में बैठ के अपने अपने सत्संग सुनाती थी और सेवाएं चलती थी। वहां पे क्या हुआ कि एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी, हम ये सोचते थे शुरू शुरू में कि गुरुजी तो आते नहीं है मंथली सत्संग में, गुरुजी को क्या पता भी होगा कि इसके घर में हुआ है मंथली सत्संग, कैसे पता चलता होगा गुरुजी को। जब हम नए थे तो हमारे दिमाग में ये चीजें चलती थी। तो जब हम बड़े मंदिर गए, एक आंटी अपना एक्सपीरियंस सुना रही थी कि गुरुजी ने मुझे बोला कल गुप्ता के यहाँ सत्संग था, तू गई थी, बढ़िया हो गया ना। जब गुरुजी की ये वाली सत्संग की बात हमने सुनी, वो आंटी जानती भी नहीं थी कि हम वहीं पे खड़े हैं क्योंकि हम उनके बैक साइड में थे, और वो आंटी जब ये सुना रही थी तब हमें गुरुजी ने ये रियलाइज कराया कि सत्संग तुम्हारे घर में अगर हो भी रहा है तो वो भी मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं वहां पे नहीं आता लेकिन मैं वहां पे होता हूं, तुम्हें फिजिकल फॉर्म में देखने की आदत है बट गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं, हर टाइम गुरुजी हमारे साथ प्रेजेंट रहते हैं। गुरुजी अपने हाथों से जब प्रसाद देते थे, गुरुजी के हाथ बहुत छोटे छोटे होते थे बट गुरुजी एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथों में भी नहीं समा पाता था प्रसाद, इतना उसमें प्रसाद का, और टेस्ट भी डिवाइन प्रसाद जैसे होता था, पता नहीं इतना टेस्टी इतना। और एक बार हमें लोहड़ी के टाइम मिला रेबड़ी प्रसाद, तो हमने घर पे जाके बल्कि उसको पैकेट को रख दिया, रोज एक एक खाते तो जैसे होता है ना सील जाती है थोड़े टाइम में या टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, बट उसमें कुछ नहीं आया, वो ऐसी की ऐसी फ्रेश रही एकदम जैसे कि फर्स्ट डे थी। बस हमें गुरुजी के पास आने के बाद जो मंदिर के कुछ रूल्स हैं, जैसे सोशलाइजेशन नहीं करनी चाहिए मंदिर में आके, पूरा टाइम हम करते ही हैं बाहर, मंदिर में जब कुछ टाइम के लिए आते हैं तो हमें सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन जोड़ने की, गुरुजी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और अपना मोबाइल पर्टिकुलरली स्विच ऑफ कर देना चाहिए, वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि गुरुजी कहते हैं या तो मोबाइल की ले लो वाइब्रेशन या मेरी वाइब्रेशन ले लो। एक बार दलेर मेहंदी का एक कोई फंक्शन था तो मम्मी पापा को गुरुजी ने कार्ड दिया, वो जो कार्ड था जैसे घर पे आए तो उस पे देखा एंट्री ऑफ टू अलाउड थी बस, तो मेरे और भाई का भी मन था जाने का लेकिन अब जाएं तो कैसे जाएं, तो ये डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है एंट्री दो की अलाउड है तो मम्मी पापा ही चले जाएंगे, बट ये सब बातें घर पे हो रही थी। तो जब नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा मंदिर गए तो गुरुजी ने एक और कार्ड दिया कि ये तेरे बच्चों के लिए। गुरुजी जो घर पे भी बच्चों की बात चल रही है या कुछ भी चल रही है ना, गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं। एक बार मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो मम्मी सोच रही थी, गुरुजी हमेशा पापा को ही कह के बात करते थे जैसे सीए आओ सीए,
चलो सीए ऐसे बोलते थे पापा को। तो मम्मी गुरुजी से मन में बात करती, गुरुजी आज एनिवर्सरी है, आज बेशक एक वर्ड बोल लीजिएगा लेकिन आज मुझसे प्लीज आप कुछ एक वर्ड बोल लीजिएगा, प्लीज बात कीजिएगा आज मुझसे। ये सोच के मम्मी घर से निकली। जब गुरुजी के पास पहुंचे तो यूजुअली गुरुजी कहते थे चलो सीए, उस दिन गुरुजी ने कहा चलो सीए दी वोटी। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी और इतनी प्यारी प्यारी जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं वो भी गुरुजी ध्यान रखते हैं। अभी रिसेंटली गुरुजी की कृपा से हम अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हुए हैं और मेरे बेटे का स्कूल का एडमिशन भी वन ऑफ दी बेस्ट स्कूल्स में गुरुजी ने कराया है। इनफैक्ट उसका एडमिशन तो हम तो मिस ही कर देते क्योंकि जब एडमिशन का टाइम चल रहा था हमसे स्किप ही हो गया कि एडमिशन का टाइम चल रहा है। उस टाइम पे हुआ क्या, मेरा बड़ौदा ट्रांसफर हो गया था और हम उस सब में, मैं बड़ौदा चली गई और उस सब में स्टक अप हो गया और हमारे माइंड से स्किप ही हो गया एडमिशन का। फिर जब मैं बड़ौदा से वापस आई 15 डेज ज्वाइन करके, तो यहाँ वापस गुड़गांव आने के बाद एकदम से स्ट्राइक किया कि वो एडमिशन टाइम चल रहा है और सिर्फ 3-4 दिन बचे थे लास्ट डेट में। हमने एकदम से अप्लाई किया, लग रहा था पता नहीं कॉल आएगी भी कि नहीं आएगी, बट कॉल आ गई एडमिशन के लिए। अब जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ उस दिन मेरे बेटे की तबीयत खराब, उसकी इतनी तबीयत खराब थी, कोल्ड कफ फीवर, वो मतलब लेटा ही हुआ था बेड पे। पर अब क्योंकि हमारे पास तो कोई और ऑप्शन थी नहीं तो हम तो उसको फिर उस दिन लेकर गई, जो जिस भी कंडीशन में था मेडिसिन लेके उसको चले गए। अंदर प्रिंसिपल इंटरव्यूज ले रही थी, हमसे पहले भी बच्चों के इंटरव्यू हुए, सबको यही बोला गया कि ठीक है आपको नेक्स्ट 2-3 डेज में बताएंगे। और अंदर जाके टाइम भी लग रहा था, बट जब हमारा नंबर आया प्रिंसिपल ने हमसे कुछ नहीं पूछा बल्कि हमसे ही कह रही है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। और हम जब बाहर आ गए तो जो भी उनकी पीए थी उनके थ्रू भिजवा दिया कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया, आप चाहो तो एडमिशन फॉर्मेलिटीज भी अभी कर सकते हो। तो ये गुरुजी की कृपा है, बच्चा गुरुजी ने दिया है तो गुरुजी ही उसकी हर चीज की टेक केयर करते हैं। हम बीइंग उसके कहने के लिए ह्यूमन पेरेंट्स जो है भूल सकते हैं बट गुरुजी नहीं भूल सकते, गुरुजी कभी नहीं भूलते। हर चीज जो हम भूल चुके हों कहीं भी हो गुरुजी हमेशा याद रखते हैं। और मेरा जब बड़ौदा ट्रांसफर हुआ 10 ईयर्स तक तो मेरा यही रहा होम पोस्टिंग, लेकिन जब वहां चली गई तो मैनेज करना ये था कि हो नहीं पाएगा बिकॉज मेरा बेटा छोटा था। मैंने वहीं पे रिजाइन मार दिया। रिजाइन मारने के बाद मतलब इन द मीन टाइम प्रोसेस साथ में ही चल रहा था, मैं कंपनीज में भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, रिजाइन भी मार दिया, सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। और 15 डेज वहां ज्वाइन करके जब मैं वापस यहाँ पे आई, मेरा HDFC बैंक में इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें हुई और मेरा इमीडिएटली सिलेक्शन भी हो गया और उन्होंने जो मेरा वहां पे पैकेज था उससे पैकेज भी काफी मच बेटर इंक्रीमेंट के साथ मुझे पैकेज ऑफर हुआ। गुड़गांव में ही मेरी पोस्टिंग हो गई, जो प्रोफाइल में चाहती थी वो ही मुझे प्रोफाइल मिल गया। और तो और 3 मंथ्स का नोटिस सर्व जो करना होता है उन्होंने बोला उसका भी हम पे आउट कर देंगे, आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। तो ये सब सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और गुरुजी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी सारी चीजें हो जाएं। तो मैं, मेरे पास तो जो कुछ भी है, जो भी मैं हूं, वो सब सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी थैंक यू सो मच हम सबको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। पीछे हम सब ने कोविड का टाइम भी देखा है, इतना खराब टाइम जिसमें कि इतनी चीजें मेस्ड अप हुई हैं, कितने लोगों ने सफर भी किया है। अगर आज हम सब लोग बिल्कुल गुरुजी की कृपा से सही बैठे हैं, सत्संग सुन पा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी ने हमेशा सिंपल रखा है, बस हम अगर उसको सच्चे मन से फॉलो करें तो हम और भी अच्छा गुरुजी के पास जाके और भी अच्छा कनेक्शन गुरुजी से बना सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मन से पूरे मन से अपनी सारी ड्यूटीज निभानी चाहिए। और जब हमारे सुबह से लेके शाम तक जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो घर की तरफ है या ऑफिस की तरफ है, वो सब जब हो जाती है तब हम मंदिर जाते हैं। गुरुजी ने शाम का टाइम रखा हुआ है मंदिर का, इसलिए कि अपने शाम तक के अपने घर के ऑफिस के सब काम निपटाकर यहाँ आओ और फिर आके सिर्फ गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग और गुरुजी सॉरी भी, क्योंकि हम बहुत स्टुपिड मिस्टेक्स करते हैं और एक भी चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम आपको
कुछ भी कहने या ब्लेम करने या आपसे लड़ने भी कई बार, मतलब मैं तो लड़ी हूँ कई बार गुरुजी से, कई बार लड़ने के लिए भी आ जाते हैं गुरुजी, गुरुजी सॉरी एंड गुरुजी थैंक यू सो मच हम सबको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, जय गुरुजी।